Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. So after so long, we are going to start with chapter 11 of class 11. Chapter 1 to 10 मैं already करा चुकी हूँ. Link is given in the description box. Otherwise आप मेरी playlist में जाके check कर सकते हो. ठीक है? आप देखिए, chapter 11 हमारा conic section है जो कि बहुत important और बहुत interesting chapter है. कॉनिक सेक्शन जो आज मैं स्टार्ट करूंगी वो बेस है हर चीज का. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बेस है. अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप हायर लेवल के क्वेश्चन तो क्या लोअर लेवल के क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. सो कॉनिक सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डू बेसिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड सर्कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप इज नाउ अवेलेबल फॉर सिंप्लीफाइड मैथ्स स्टूडेंट्स. सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉनिक सेक्शन पे आएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. मैं कोई भी एक फिक्स लाइन ले लेती हूँ L, ठीक है? कोई भी एक रोटेटिंग लाइन लेती हूं M. इन दोनों के बीच में एंगल सपोज करो अल्फा है. मुझे इस M लाइन को इस तरह से रोटेट करना है कि जो अल्फा है एंगल वो सेम रहे. ठीक है? अगर ये 30 डिग्री है तो मैं इस तरह से इसको रोटेट करूंगी M को अलोंग Y, अलोंग दैट फिक्स लाइन L, सो दैट जो मेरा अल्फा एंगल है वो सेम रहे. ठीक है? ये ऐसे रोटेट होगा तो ये जो लाइन है ये M यहां पे आ जाएगी, मींस ये एंगल अल्फा बन जाएगा, इस टाइप से आएगी. सो ये मेरा क्या बनेगा? अगर मैं L कोई फिक्स लाइन है, M को रोटेट करूंगी कि अल्फा सेम रहे, तो मेरा इस टाइप की फिगर बनेगी. ठीक है? ये क्या बन गया मेरा? एक कोन. और ये क्या बन गया मेरा? दूसरा कोन. मींस अगर मैं M को रोटेट करती हूँ अल्फा फिक्स रख के टू द फिक्स लाइन L, तो मेरे डबल नेप्ड कोन बन रहे हैं. ठीक है? ये अपर नेप कोन, ये लोअर नेप कोन. ठीक है? सो यही फिगर ड्रॉ की है मैंने. ये मेरी फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है? क्योंकि इस फिक्स लाइन के अलोंग हम इस M को, ये मेरी लाइन M है, इसको रोटेट कर रही हूँ, सो दैट मेरा अल्फा सेम रहे. तो यही फिगर बनी थी मेरी. सो ये जो एम लाइन है इसको हम कहते हैं जनरेटर, क्योंकि इसको हम रोटेट करते हैं. ठीक है? सो ये अपर नेप कोन हो गया, ये लोअर नेप कोन हो गया. ठीक है? सो ये जो डिवाइड करता है अपर और लोअर नेप कोन में, ये वी वर्टेक्स होती है हमारी. ठीक है? सो ये आ गया हमारा कोन की बात. अब कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन का मतलब है अगर हम कोई भी एक प्लेन ले ले, ठीक है? सपोज करो मैंने ये प्लेन लिया है. ठीक है? ये मेरा प्लेन है. प्लेन क्या होती है? टू डायमेंशनल फिगर. सो अगर मैं ये प्लेन लेती हूं, एल और एम के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है. प्लेन और एल के बीच का जो एंगल होगा ना, वो सपोज करो बीटा है. ठीक है? सो ये प्लेन जो है, इंटरसेक्टिंग प्लेन है ये. So, ये प्लेन कितना एंगल बनाएगा एल के साथ, उससे पता लगता है कि हमारी क्या शेप बनेगी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे विद अ प्लेन. ठीक है? कॉनिक सेक्शन कैसे निकलेंगे? जो इंटरसेक्शन होगा प्लेन का, ये हमारा प्लेन है, इंटरसेक्शन होगा प्लेन का विद दिस कोन, तो जो पोर्शन हमारा आएगा दैट आर कॉनिक सेक्शन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. ठीक है? अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये आप, ये तो पता लग गया आपका M और L के बीच का एंगल अल्फा है, और L फिक्स लाइन L, और वी कैन से एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल बीटा है. सो अल्फा बीटा डिसाइड करेंगे कि कौन सी फिगर बनेगी. अगर बीटा मेरा 90 डिग्री हो जाए, बीटा 90 डिग्री कब होगा? जब ये प्लेन जो है ऐसे हो, 90 डिग्री हो जाएगा L और बीटा का. दिस इज L, L और बीटा का बीच, L और इस प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. अगर बीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या बनेगा हमारा यहां पे? सर्कल. ठीक है? अगर मेरा बीटा अल्फा और 90 के बीच में है, द
देखो यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, अल्फा और 90 के स्ट्रिक्टली बीच में है, ठीक है, थोड़ा इस टाइप की फिगर है, इस टाइप की फिगर है। यहाँ पे जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है पर 90 से छोटा है, सो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, इलिप्स। अगर बीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाए, बीटा इक्वल्स टू अल्फा कब होगा, तब यहां पे प्लेन आएगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा तो यहां पे हमारा पैराबोला बनेगा। अगर बीटा जीरो से बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो, बीटा जीरो से बड़ा और अल्फा से छोटा हो तो प्लेन हमें कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा, ये नीचे तक आएगा प्लेन फिर, ठीक है, इस तरह से रखना पड़ेगा तो हमारा बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, यहां पे छोटा, यहां पे हाइपरबोला बनेगा, यहां पे बनेगा, ठीक है, दो बनेंगे ऊपर और नीचे, तो यहां पे हमारा बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, ये समझने के लिए थे, मेन पार्ट अब शुरू होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल से, आज इस वीडियो में सर्कल देखेंगे और उसका कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सर्कल की डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड में बता दी जाती है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट से हम इक्वल डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करें तो मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल। ठीक है, सर्कल इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस है सर्कल के हर पॉइंट का। ठीक है, सो सर्कल इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, राइट। तो सर्कल बन गया, जो वो फिक्स पॉइंट होता है, दिस फिक्स पॉइंट इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और जिस डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सर्कल का टू द पॉइंट ऑन द सर्कल उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल के पॉइंट को मैंने कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए एच के, और किसी भी पॉइंट के, सर्कल के किसी भी पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये टू डायमेंशनल फिगर है तो इसके पॉइंट टू डायमेंशन में लाई करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो कैसे निकालूंगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाल लो, आर क्या होगा मेरा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, आर या रेडियस है, एच के जो है सेंटर के पॉइंट है, एक्स वाई जो है सर्कल का कोई भी पॉइंट है, राइट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल वन है एनसीईआरटी का ऑफ चैप्टर 11 क्लास 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 00 एंड रेडियस आर। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, सेंटर गिवन है 00 मींस एच के गिवन है मुझे 00 एंड रेडियस गिवन है आर। सो यहाँ पे एच के की जगह 00 रख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, जहां सेंटर 00 हो जाए। एग्जाम्पल टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3, 2। सेंटर मीन्स एच के -3, 2 आपको गिवन है एंड रेडियस आर आर इज 4 गिवन है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस दिस इज -3, 2, सो वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। सो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच उसका सेंटर -3, 2 है एंड रेडियस इज 4। एग्जाम्पल 3, इसमें आपको निकालना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वेशन गिवन है सर्कल की, आपको सेंटर निकालना है मीन्स एच के निकालना है एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर निकालना है। ठीक है, सो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, पर मुझे इस फॉर्म में गिवन है मीन्स सिंप्लीफाई करके गिवन है, सो मुझे इस फॉर्म में लाना है। सो व्हाट विल आई डू, सबसे पहले तो एक्स वाले एक साथ रख लो, y वाले एक साथ रख लो, और जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ,
क्योंकि आर कॉन्स्टेंट होता है। अब मुझे ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, इसमें क्या एड और सब्ट्रैक्ट करूं, ये हम छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स है, सो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या करेंगे, हाफ ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मीन्स हाफ इंटू एट स्क्वायर को एड करूंगी, हाफ इंटू एट स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन। सो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर का। सो ये क्या हो गया, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर बन गया, ये इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस सिक्सटीन एज इट इज प्लस, समझ आ रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई है, इसमें क्या एड करूं, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ टेन होल स्क्वायर एड करो एंड हाफ ऑफ टेन होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स क्या किया है मैंने, वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव। सो ये मेरा क्या बन गया, वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टू इंटू फाइव वाई, ठीक है। सो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू एट एज इट इज, ठीक है। ये हम छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम होल स्क्वायर बनाते हैं, हमें कुछ क्वांटिटी एड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन दिस। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरा वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई की जगह वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई होता तो मैं प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव तो करती, पर इसको जब मैं कंबाइन करती तो मेरा क्या बनता, वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस टेन वाई है ना, क्या करना, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू एट प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव। सो ये हमारा बन गया एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्टी नाइन, दैट इज सेवन स्क्वायर। सो इफ यू कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ सर्कल, so what is my h here, minus 4, what is my k here, minus 5, and what is my r here, 7. so center of the circle is hk, that is minus 4 minus 5, radius is r, that is 7. so आपको center and radius बताना था, hence this is your answer. so next example 4, example 4 में do calculation part yourself. I'll give you hint, you have to find the equation of circle. इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको एच के और आर निकालने हैं। आपको गिवन है दैट दिस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट टू माइनस टू एंड थ्री टू। सो टू माइनस टू पे अगर ये सर्कल पास करेगा या थ्री फोर पे ये सर्कल पास करेगा, इट मीन्स दैट वाई एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, टू, वाई कोऑर्डिनेट माइनस टू, सब्स्टिट्यूट दिस। सो ये आ गया टू माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो थ्री फोर से ये सर्कल पास करेगा, इट मीन्स एक्स इज थ्री एंड वाई इज फोर, सो उसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। एक और चीज आपको गिवन है, हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू, हुज सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू। सो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन ही वेरिएबल है। इफ दिस सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन देन व्हाट कैन यू से, x प्लस वाई इक्वल्स टू टू है और आपको गिवन है दैट द सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर हमने क्या लिया है यहाँ एच के, इट मीन्स एच के लाइज ऑन दिस लाइन, तो हम x की जगह h लिख सकते हैं और y की जगह k लिख सकते हैं। सो मेरी ये बन गई राइट भाई, आपको कहा हुआ है दैट सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर के पॉइंट्स मैंने लिए हैं एच के,
तो मींस x की जगह क्या आ गया h, y की जगह क्या आ गया k। सो हमारी तीन इक्वेशन है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, और तीन ही वेरिएबल है h, k, r। तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आप निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, यहां से h की वैल्यू निकालो, 2 माइनस के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो h की वैल्यूज, फिर दो इक्वेशन बच जाएगी, दो ही वेरिएबल बच जाएंगे, दैट इज k और r, आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो h के r की वैल्यूज निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो h के r की वैल्यूज, देन दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। राइट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पैराबोला, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाइड मैथ्स इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आप वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, इट इज वेरी सिंपल, जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किए। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। अगर कॉमन डाउट्स हुए तो वी विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन एक्सरसाइज 11.1। टिल देन बाय बाय, सी यू।